हमारे इस क्षेत्र में हम लोग, हम किसान पानी के लिए तरसते थे कि नहीं तरसते थे, पानी की जरूरत थी कि नहीं थी, हम बार बार पंजाब से झगड़ा करते थे कि नहीं करते थे कि हमें पानी मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, करते थे कि नहीं करते थे, सरकारें ठीक नहीं थी, कांग्रेस वाले राज करते थे कि नहीं करते थे, नहर ठीक नहीं थी, पंजाब में सरकार ठीक नहीं थी, राजस्थान में सरकार ठीक नहीं थी, सब कुछ था, पानी नहीं था। क्यों? क्योंकि सरकार क्यों होती है, लोग सरकार क्यों बनाते हैं कि सरकार में बैठे हुए लोगों को भी ऐसा लगता है बस आप आ गए मौज करो। भाइयों बहनों, आपने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया है, आपने एक ऐसे व्यक्ति को वोट दिया है, वो जीता है सिर्फ आपके लिए, वो जागता है सिर्फ आपके लिए, वो जूझता है सिर्फ आपके लिए, और अगर वो झुकता भी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। भाइयो बहनों, हमारा सरहिंद फिडर और हमारा राजस्थान फीडर, यहां लोग मांग करते थे पानी मिले, पंजाब कहता था पानी है नहीं कहां से देंगे, लेकिन मुसीबत पानी की नहीं थी, मुसीबत दिमाग की थी। सीधा सीधा बात था कि नहर कच्ची है, टूटी फूटी है, शिपेज हो रहा है, पानी जा नहीं रहा है, पानी बेकार जा रहा है, अगर इतना सा रास्ता निकाल दे, मेरा पंजाब भी खुश, मेरा राजस्थान भी खुश, मेरा गंगानगर भी खुश, मेरा हनुमानगढ़ भी खुश। और हमने हमने सरहिंद फीडर, राजस्थान फीडर, भाइयों बहनों, करीब करीब 2000 करोड़ रुपया की लागत से, 2000 करोड़ रुपये की लागत से इस नहर को पक्का करने का काम शुरू किया। अब सीपेज बंद होगा और करीब करीब 800 क्यूसेक से ज्यादा अतिरिक्त पानी ये आपके खेतों में ले आएंगे। भाइयों बहनों, बताइए भाइयों बहनों, ये पानी का काम कौन कर रहा है? ये पानी का काम कौन कर रहा है? आपके पानी की मांग कौन पूरी कर रहा है? ये नहरों में पानी कैसे लाया जा रहा है? फिर से गलती कर दी, ये सरहिंद फीडर को ठीक करना, ये राजस्थान फीडर को ठीक करना ये मोदी नहीं कर रहा है, ये आपका एक वोट कर रहा है, आपका वोट। वोट सही जगह पे बनता है तो सिर्फ एमएलए एमपी नहीं बनता है, सिर्फ सरकार नहीं बनती है, अगर सही जगह पे वोट होता है तो आपका सही काम होता है, आपका सौभाग्य बदलता है।